एनएचएम पर्चा लीक कांड में इंदौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के उप पुलिस निरीक्षक को आरोपी बनाया गया है। अब तक पर्चा लीक कांड में 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मंगलवार को उप निरीक्षक मिलाकर कुल 17 आरोपी हो चुके हैं। पीटीएस इंदौर में तैनात उप निरीक्षक शैलेन तोमर के खाते में एनएचएम पर्चा लीक कांड के मुख्य आरोपियों द्वारा 8 लाख रुपये ट्रांजेक्शन किया है। जब जाँच में उप निरीक्षक शैलेन तोमर के खाते का पता चला, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाकर गिरफ्तारी कर ली गई। उप निरीक्षक शैलेन तोमर वर्ष 2018 बैच के हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस मामले में कोल्हापुर पुलिस ने जांच करते हुए कुल 16 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर चुकी थी। पकड़े गए आरोपियों में से 8 लोगों द्वारा पैसे का ट्रांजेक्शन किया था, जिससे सरकारी एजेंसियों को यह पता ना चल सके यह पैसा कहाँ से आ जा रहा है। जब इन खातों की पड़ताल की तो उसमें उप निरीक्षक के खाते में भी 8 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ, इसका खुलासा हुआ था। ये कुल 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। जी सब इंस्पेक्टर है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर में था इंदौर में, और उसमें कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन पाया गया था। इलीगल ट्रांजेक्शन को देखते हुए पूछताछ की गई और बाद में उनको गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जाए। सर अकाउंट भी सीज किए जाएंगे, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बताने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो एनएचएम के अपराधियों के साथ में कोई लिंक, इसमें ऐसी लिंक मिली है कि जिसमें कि एक जो अन्य आरोपी है उसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है, इसी आधार पर साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई।